हेलो दोस्तों, तो आज हम ये डिस्कस करते हैं कि प्री फैब्रिकेटेड कॉटेज की मेजरमेंट होती कैसे, क्योंकि एक बहुत बड़ा डाउट ही है कुछ ना, सब लास्ट में आके यहीं पे ही समझ नहीं पाते हैं। तो जैसे मान लो बात, आप चाह रहे हो कॉटेज बनाना, एक एग्जांपल उठा लेते हैं, 15 फीट लंबी कॉटेज है और 10 फीट चौड़ी है, तो ये आपका हो गया कवर एरिया। आपको जो अंदर अंदर साइज चाहिए वो ये है, तो लेंथ है 15 फीट। 15 फीट में क्या होता है, 2.5 फीट आगे स्लोप निकलता है, 2.5 फीट आगे निकलती है रूफ, और 2.5 फीट पीछे निकलती है। और ये प्री फैब के केस में ही नहीं है, ये आपकी कंक्रीटिंग वाले ब्रिक वर्क आरसी स्ट्रक्चर में जाओगे उसमें भी है, वुडन जाओगे उसमें भी है। तो 2.5 2.5, तो 15 में ये जुड़ गया, 2.5 2.5 करके 5, ये हो गया 20 फीट आपका। और जो 13 फीट वाला एरिया है हमारा, जो 10 फीट वाला है, उसमें डेढ़ डेढ़ दोनों तरफ निकलेगा, क्योंकि जो हम ये स्लोप मेंटेन करते हैं ना, जो स्लोप मेंटेन करते हैं, तो इसको मेंटेन करने के लिए जो प्रॉपर एक कैप बन जाए, प्रॉपर एक सिमेट्री बने कॉटेज की, तो डेढ़ डेढ़ फिट दोनों तरफ निकलता है। तो डेढ़ डेढ़ 3 फिट, तो 10, ये हो गया 13 फिट। तो ये कॉटेज आपकी बनी 20x13 की, अगर 15x10 आपको अंदर अंदर कवर एरिया चाहिए। ये तो केस है आपकी जो ग्राउंड फ्लोर पर कॉटेज बन रही है उसमें। अगर आपको G+1 में जाना है, G+1 क्या है, मतलब ग्राउंड प्लस वन, या एक मंजिला बोलो आप, ग्राउंड प्लस वन, G+2, ग्राउंड प्लस दो मंजिला, ऐसा एक एक फ्लोर ऊपर बढ़ गया G+2। तो G+1 में जाना है तो उसमें क्या है, जो नीचे वाला एरिया है उसमें क्या होता है, ऊपर में जैसे हम जाते हैं ना सेकेंड फ्लोर में, तो हम पे एक ऑप्शन रहता है बालकनी निकालने का, और नहीं तो वो फिर स्ट्रेट से जाएगा कैसे, बालकनी निकलेगी ना, तो लोग क्या दोनों तरफ ही निकाल लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन तो ही 5 फिट आगे 5 फिट पीछे। तो ये आपका 15 हो गया, 5 आगे और 5 पीछे, ये हो गया आपका 25 फिट। 25 फीट इसकी लेंथ हो गई, विड्थ इसकी 10 फीट ही रहेगी, जो आपकी विड्थ आएगी बाहर से बाहर दीवार की, तो 25x10 का ही नीचे हो गया। और इसके ऊपर वाला जो नपेगा वो सेम उसी पैटर्न में नपेगा, क्योंकि उसमें वही स्लांटेड रूप है, तो 2.5 2.5 5 फीट। अगर आपको बालकनी कवर नहीं करनी है, अगर कवर करनी है जितना रूफ आगे निकला, तो उतनी मेजरमेंट होगी। वैसे 2.5 2.5 मिनिमम तो यही है, 2.5 2.5, तो ये हो गया 20x13 का ऊपर का फ्लोर। तो ऐसे मेजरमेंट होती है G+1 वाले में। और अगर अगर आपको ए स्लोप में जाना है या ए फ्रेम कॉटेज में जाना है, तो ए फ्रेम कॉटेज जो मेजरमेंट होती है, माना ये आपकी ए फ्रेम कॉटेज है, उसमें तो वॉल्स तो होती नहीं है, तो उसमें जो ये स्लांटेड एरिया ना, यहाँ से लग के ये पूरा एरिया नपता है, क्योंकि ए फ्रेम में क्या, एक तो आपको नीचे मिल गया और ये सेंटर का ए बना, एक लॉफ्ट में ऊपर मिल गया, तो इसमें ये नपता है हमारा। तो यही है, बाकी ये क्या है, जो बड़े मेट्रोपॉलिटन वाले उनको तो पता है, दिल्ली मुंबई पुणे बेंगलोर वालों को तो आइडिया होता ही है, क्योंकि फ्लैट आजकल सारे इसी में ही हैं, कवर एरिया कारपेट एरिया बिल्डअप एरिया। लेकिन जहाँ रिसोर्ट बनते हैं वहाँ पे लास्ट में आके सारे क्लाइंट यही करते हैं कि ये क्यों नाप रहे हो, इसको 15x10 नापो, और देखते हैं कि 1400 रुपये स्क्वायर फिट में बन रहा है, 15x10 है, 150 गुणा किया 1400, ये तो सही, बहुत सही पड़ रहा है, तो ऐसे नहीं नपता है। वो रीज़न भी है, देखो एक तो उसमें क्या, मोस्टली जो रीज़न है टेक्निकली क्या है, तो आपकी जो रेन है ना, वो जो ऊपर का 7 फिट है उसमें नहीं पड़ती है, नीचे के 3 फिट में पड़ती है, और वहाँ से सीधे फ्लोर पे जाके निकल जाती है। फिर दूसरा, उसके नीचे सीलिंग लगेगी आपकी, बाहर पर हैंगिंग लाइट लग जाएगी, और नीचे आपकी टाइल लगेगी, और फिर उसके बाद स्टेयर्स बनेगी, तो उसका भी तो कॉन्ट्रैक्टर कहीं से लेके आएगा ना पैसा, तो ये पूरा नपता है उसमें, कवर एरिया मेजर होता है इसमें। तो आप भी अगर कॉटेज का प्लान कर रहे हो, तो आपने कवर एरिया जो आपको अंदर अंदर चाहिए पहले तो वो देख लो, और 10 फिट तो मत लेना आप, ये फिट तो एग्जांपल के लिए मैंने दे दिया आप अंदर अंदर, क्योंकि 6 फिट का बेड है, 4 फिट की गली बच जाती है, उसमें आगे आपके LED पैनल भी आएगा, तो मुझे लगता है 6 दुनी 12, मतलब 2 बेड तो आ जाए, 12 तो मिनिमम है। और लेंथ में आप रूम कम से कम 16 फिट लो, 16x14 एक अच्छा साइज़ है, उसमें आप कल के दिन बहुत कुछ सोच सकते हो। अंदर अंदर ये कवर एरिया है, इसमें आप 2.5 2.5 लेंथ में प्लस कर देना, 2.5 फिट आगे 2.5 फिट पीछे, और 1.5 1.5 फिट दोनों तरफ प्लस कर देना। और ये मैंने रूम का बताया, बाथरूम इससे लगे, बाथरूम का साइज 7x5 है, उससे नीचे तो बिल्कुल मत जाओ आप, आपकी कॉटेज का लॉज ज़्यादा लगेगा, लॉज में पैसा तो आता है नहीं, वो वेस्ट करने वाली बात है अपना हार्ड एंड मनी। तो इन्वेस्ट कर रहे हो तो अच्छे से एक बार अच्छा इन्वेस्ट करो, और ऐसे मेजर होती है, फिर आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। बाकी कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ लिया करो, मैं उसके हिसाब से फिर अगला वीडियो बना दूंगा। थैंक यू, अगले वीडियो मिलते हैं।